everyone, assalamu alaikum, namaste, sasriyakal, welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Ration channel. तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम देखेंगे पांच योद्धा जो हैं वो किस तरह से उनका छल से जो है उनका वध हुआ था. और ये महाभारत की बात कर रहे हैं क्योंकि महाभारत से रिलेटेड हमने बहुत कुछ देखा है वीडियोस में. आज का वीडियो भी हम इसी तरह से देखेंगे. काफ़ी जो है वो ये पांच योद्धा जो हैं, मतलब महाभारत में जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी युद्ध था ये, और इसी में ही जो है वो कितने सारे योद्धा जो हैं उनको मारा गया था, उनका वध किया गया था. तो उसको छल से, धोखे से किस तरह से उनको वध किया गया था वो आज की इस वीडियो में जानेंगे. सो ये वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. चलो स्टार्ट. महाभारत के पांच ऐसे योद्धा जो छल से मारे गए थे. आखिर इन योद्धाओं को छल से मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू. तो चलिए करते हैं अब ज्ञान की बात. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया गया है. इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी. वहीं कुरुक्षेत्र में लड़े इस युद्ध की भयावहता का पता इस बात से चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है. इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी, आदिरथी और रथी थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए. तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन और जानते हैं आखिर कौन से थे वो पांच योद्धा. छल कपट से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का. महाभारत की युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी, शक्तिशाली और बुजुर्ग योद्धा थे. ऐसा कहा जाता है 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की विजय में एक बाधक बने रहे. महाभारत युद्ध भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना लगभग असंभव होता जा रहा था. ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को अपने बाणों से छलनी कर दिया. उसके बाद भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया. छल से मारे गए योद्धाओं में अगला नंबर आता है गुरु द्रोणाचार्य का. कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव था. ऐसा माना गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था, यानी कि उनका पुत्र प्रेम. भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बना दिया गया. सेनापति बनाने के बाद द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे. ऐसे में पांडवों को एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा. एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वो अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराए और जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया. द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी दरअसल में अश्वत्थामा ही था. ऐसी स्थिति में वो भ्रमित हो गए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि वह युधिष्ठिर से पूछ सकते हैं कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया. द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल युधिष्ठिर ही सत्यवादी है, बाकी कोई नहीं. इसीलिए उन्होंने पूछा, क्या युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया? तो ऐसे में युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया. लेकिन जैसे ही वो हाथी बोलने जा रहे थे, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी और तभी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए. और उसके बाद दृष्टद्युम्न ने
तलवार की सहायता से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह महान द्रोणाचार्य का भी छल से वध हुआ। अगले ऐसे योद्धा हैं जयद्रथ। जी हाँ, उनको भी छल से मारा गया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना लगभग असंभव दिख रहा था, क्योंकि सभी कौरव पक्षों ने जयद्रथ को छुपा रखा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र की सहायता लेकर सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। ये देख जयद्रथ समेत कौरवों ने समझा कि शाम हो गई और वो खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने पशुपतास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। अगले योद्धा है अंगराज कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर पराजित करना भी अर्जुन के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। पहले तो अर्जुन ने मना किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार याद दिलवाया और कहा कि मुझे पता है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया। अगले और आखिरी योद्धा जो इस खास महाभारत के मुख्य पात्र थे, वो थे दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल पूर्वक ही किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान कृष्ण की ही छल कपट नीति थी। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी को ये वचन प्राप्त था कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में नेत्रहीन गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शर्मिंदा किया कि तुम नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने कैसे जा सकते हो। ऐसे में दुर्योधन केले के पत्ते लपेट कर गया, उस वजह से उसकी जांग का हिस्सा और उसका मुख्य अंग वज्र के नहीं हो पाए और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के दौरान संकेत मिलते ही भीम ने उसकी जांग को तोड़ दिया, जिस वजह से अतः दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का वध किया गया। तो यही थे वो पांच महारथी जिन्हें छल द्वारा महाभारत के युद्ध में मारा गया था। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, देखते रहिए मिस्टीरियस हिंदू। सो गाइस, ये हमारा आज का वीडियो जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पांच योद्धा को जो है वो उनका छल किया गया। अच्छा, इसमें काफी योद्धा जो है उनके ऊपर बात की गई है, जिसमें जो है वो दुर्योधन की भी बात की गई है कि उनके साथ तो यहाँ तक हुआ था कि उनके यहाँ पर जो पैर हैं उसको मतलब अच्छे से मतलब कुचल दिया गया था और उसके बाद जो है उनका वध किया गया था। मतलब काफी सारे यहाँ पर उनकी बात की गई है योद्धाओं की, और इसमें बहुत सारे योद्धा हैं जिनकी बात नहीं भी की गई। अब उसने मैंने जहाँ तक देखा है तो अभिमन्यु जो थे, अभिमन्यु के साथ भी छल हुआ था मेरे ख्याल से, क्योंकि उनको भी धोखे से ही मारा गया था।
हाँ उनको भी धोखे से ही मारा गया था, क्योंकि जब वो अंदर गए थे तो सही था, उसके बाद जो है वो उनके साथ धोखा किया गया था और जो है ना उनका वध किया गया था, उनका भी नाम इसमें नहीं लिया गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वध के अलावा अगर हम कर्ण का जो सुरक्षा मतलब वो जो कवच होता है, कवच कंडाल करके कुछ नाम लेते हैं, वो भी उनसे धोखे से ही लिया गया था, क्योंकि हाँ वो भी उनसे धोखे से ही लिया गया था। मैंने वो देखा था पानी के पास खड़े हुए थे और इस तरह से कुछ वो आते हैं, मेरे यहाँ से पितामह आते हैं शायद, तो उनसे वो लेते हैं, पितामह है या फिर कोई मेरे यहाँ से अर्जुन के पिता होते हैं, तो वो आते हैं उनसे लेकर जाते हैं। सॉरी अगर मैं यहाँ पर कुछ रॉन्ग हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा था काफी टाइम पहले देखा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ना मेरे जहन से निकल रहा है कि किन्होंने लिया था, लेकिन ये मुझे पता है कि छल करके ही लिया गया था। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर शेयर करना मुझसे कमेंट सेक्शन में। वैसे हमने बहुत महाभारत के बारे में देखा है और जाना है, लेकिन हम महाभारत के बारे में जितना भी जाने जितना भी देखें जितना भी सुने उतना ही कम है, क्योंकि महाभारत इतना डीपली मतलब महाभारत में बंदा जाता जाता जो उतना ही वो और गहरा होता जाता है। तो खैर काफ़ी इंफॉर्मेटिव था वीडियो और मतलब काफ़ी जो है सबके बारे में ही हमें पता चला आज। और वैसे एक बात है कर्ण एक मैंने अब तक जो वीडियोस देखी हैं उससे मुझे यही लगता है कि कर्ण को लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और कर्ण एक बहुत ही अच्छे वैरियर रहे हैं। और मतलब वो अलग बात है कि वो एक गलत ग्रुप में चले गए थे और उनके साथ जाकर जो है वो थोड़ी गलत रास्ते में चल पड़े थे, लेकिन वो हमेशा से ही मतलब उनको लोगों ने गलत नज़रों से देखा, लेकिन रियल में महाभारत के असल वैरियर ही वो रहे हैं। और जिस तरह से उनको चलाया गया मतलब फिर भी वो लोगों के दिलों में उनके लिए इतना प्यार मोहब्बत है, तो इससे आइडिया लगा सकते हैं। और मुझे हमेशा ये फील भी हुआ है कि कर्ण मतलब उतने बुरा नहीं था जितना उसको मतलब कि वो उस करैक्टर है जिस तरह का, तो उससे लगता है यही है कि भाई बहुत ही बुरा होगा, लेकिन जितना मतलब उसको बुरा दिखाया गया है उतना ही वो मतलब लोगों को लोग उनको लाइक भी करते हैं, विच मीन इज दैट कि उनमें ऐसी खूबियाँ थी और लोग उनकी उन खूबियों को बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं। तो खैर आप मुझे कर्ण के बारे में और भी मज़ीद बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।